बेगूसराय मंडल कारा के एम्बुलेंस ड्राइवर धर्मेंद्र रजक की सनसनीखेज हत्या के बाद अब पुलिस जांच भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को भागलपुर सहित विभिन्न जगहों से फॉरेंसिक जांच की टीम बेगूसराय पहुंची, जहां उन्होंने देर रात तक नगर थाने में जब्त मंडल कारा के एम्बुलेंस की तलाशी ली एवं सघन जाँच की। हालांकि इस संबंध में फॉरेंसिक जांच अधिकारियों ने अभी मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फॉरेंसिक जांच की टीम को कुछ मजबूत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सदर डीएसपी राजन सिन्हा ने बताया कि इस मामले में मृतक के मोबाइल का सीडीआर भी निकाला जा रहा है एवं वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि सोमवार को मंडल कारा के एम्बुलेंस ड्राइवर एक कैदी को पटना पहुंचाकर जब वापस लौट रहे थे, इसी क्रम में नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के नज़दीक अपराधियों ने एसिड पिलाकर एवं हाथ का नस काटकर धर्मेंद्र रजक की हत्या कर दी थी। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से रवि शंकर गन की रिपोर्ट। एक जो मंडल कारा बेगूसराय है वहाँ के चालक थे, एम्बुलेंस चालक, वो कल कैदी को लेकर गए थे पटना IGI में। वहाँ से लौटने के क्रम में फिर लगभग 2:45 बजे के करीब हमारा जो टाइगर मोबाइल है वो घायल अवस्था में वो मिले सुभाष चौक के आगे। फिर इलाज के क्रम में उन्हें भेजा गया लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, और यह देख के प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। तो उसी में हम लोगों ने जो एम्बुलेंस है उसको उसका फॉरेंसिक जाँच के लिए SSL की टीम फिंगरप्रिंट और बुलाए। फॉरेंसिक वाले में नहीं, फॉरेंसिक वाले में तो अलग अलग थे, फिंगरप्रिंट के अलग आए थे और पैथोलॉजिकल के वो भागलपुर से आए थे। लगभग 5-6 आदमी होंगे। 3 घंटे के करीब उन लोगों ने अपना फॉरेंसिक जांच किया है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान भी करवा रहे हैं, तो उसको पैथोलॉजिकल एंड तक पहुँचाने के लिए।